सबसे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको हम स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम, जिसका पुराना नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या नाम है पुराना? कॉन्टिन्यूस। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, भाई ये कंटिन्यूस क्या है? CUNE CON है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ले लें या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नाम ले लें, दोनों एक ही बात है। मगर क्या इंग्लिश में किसी चीज का नाम भी रखा गया है ना, तो बड़ा चुन के नाम रखा गया, ऐसे ही नहीं रख दिया किसी चीज का भी नाम। जैसे इसका नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो कोई लॉजिक है पीछे, इसका नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो कोई लॉजिक थी पीछे। हर नाम क्या गया, जैसे इंग्लिश का एक लेक्चर है स्टेट वर्ब, आप देखें स्टेट का मतलब होता है कंडीशन या प्रॉपर्टी, और वो आप लेक्चर जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो लेक्चर भी कंडीशन या प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, कंडीशन या प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। इसी तरीके से इसका इंग्लिश का दूसरा टेंस, बड़ा ही पावरफुल टेंस, बड़ा ही कॉमन टेंस, यानी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल रूटीन में, रिटन में, ओरल में, चाहे वो रिटन हो, ओरल हो, सिंपल कॉन्वर्सेशन हो या फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, हर कॉन्वर्सेशन में आप देखेंगे कि आपको प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एग्जिस्टेंस नजर आएगी। एग्जिस्टेंस के क्या मीनिंग थे? एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मौजूदगी, एग्जिस्टेंस, याद है ना हमने लेक्चर पढ़ा था देयर प्लस बी, देयर बात करता है मौजूदगी की, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर आर 10 चेयर्स इन क्लास, देयर आर 20 चेयर्स इन क्लास, व्हाटएवर, मौजूदगी की बात करता है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है प्रेजेंस, क्या होता है? प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस। ओके, सो लेक्चर नेम इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, द ओल्ड नेम ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आधा लेक्चर अगर कोई फोकस करे, आधा लेक्चर आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का मतलब करंट, कॉन्टिन्यूस का मतलब रनिंग, रनिंग, रनिंग। इसी तरीके से प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस, हाँ, प्रोग्रेस का मतलब भी होता है जारी होना, प्रोग्रेस जारी होना, कामयाबी की तरफ जाना, प्रोग्रेस की तरफ जाना, जारी होना। प्रोग्रेस के भी एक जगह मीनिंग आपको क्या मिलेंगे डिक्शनरी में? प्रोग्रेस मतलब जारी होना, प्रोग्रेस, कोई भी चीज, समथिंग इज इन द पाइपलाइन, समथिंग इज इन द पाइपलाइन, इन द पाइपलाइन के मीनिंग क्या होते हैं? पाइपलाइन के अंदर, नो, इन द पाइपलाइन कोई चीज प्रोसेस में हो, जब क्या हो? प्रोसेस में हो। आप कहते हैं कि माय एडमिशन इज इन द पाइपलाइन। व्हेन आई लर्न दिस वोकैबुलरी, दिस ईडियम फर्स्ट टाइम व्हेन माय टीचर, मे अल्लाह ब्लेस हिम, व्हेन ही टोल्ड अबाउट दिस ईडियम, आई वाज वाचिंग द पाइपलाइन, आई वाज वाचिंग द लाइन दैट वेयर इज द पाइपलाइन, लाइक दैट इट हैपेंड। इन द पाइपलाइन कोई चीज प्रोसेस में होना, ओके, सो प्रोग्रेस का मतलब भी क्या है? प्रोग्रेस का मतलब कंटिन्यू, प्रोसेस में होना। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोले, बात एक ही है। सो द लेक्चर नेम इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और इसके तीन इस्तेमाल हैं, तीन। सबसे पहला वाला सबसे अथेंटिक है। अथेंटिक का मतलब क्या होता है? अथेंटिक, मुस्तनद, मुस्तनद, अथेंटिक। मैं कहता हूं यह अथेंटिक इंफॉर्मेशन है, यह मुस्तनद इंफॉर्मेशन है, दिस इज अथेंटिक इंफॉर्मेशन, ये मुस्तनद इंफॉर्मेशन है, नॉट अथेंटिक, ओके, अथेंटिक। समा न्यूज की न्यूज क्या होती है? ऑलवेज अथेंटिक, ओके, सो अथेंटिक। एनीवे, यस, तो ये तीनों यूजेस हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के। वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, देयर आर थ्री यूजेस ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हाउ मेनी यूजेस? देयर आर थ्री। द फर्स्ट वन इज द मेन यूज, सबसे पहला वाला सबसे मेन यूज है जो हर जगह बताया जाता है। क्या है भाई? वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर व्हाट? फॉर प्रेजेंट रनिंग एक्शन। सारी किताबों में अगर आप देखें, ग्रामर की किताबों में, सबका कंक्लूजन, सबकी समरी, सबका सेंट्रल आइडिया, सबकी जो है ना टोटल बात क्या निकलेगी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या बात करता है? प्रेजेंट रनिंग एक्शन, ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में रनिंग में है, यानी अभी जारी है, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। कुछ किताबों में अलग डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जैसे किताब में लिखी हुई थी, किस लिए इस्तेमाल होता है भाई ये? मिडिल ऑफ एन एक्शन। किस लिए इस्तेमाल होता है? मिडिल ऑफ एन एक्शन। अब देखें क्या डेफिनेशन को घुमा फिरा के बस ये स्कूल वाले और ये ऑथर जो है क्या कहा, स्कूल नए जो स्कूल की बुक्स आती हैं उनमें बस एक ही डेफिनेशन को रिपीट करके बदल देते हैं, बाकी सेंस वही होता है। मिडिल ऑफ एन एक्शन, एक जगह मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या बात करता है? मिडिल ऑफ एन एक्शन, कि हम जब किसी एक्शन के मिडिल में हो। जैसे हमने क्लास शुरू की है? नहीं। हमने क्लास एंड की है? नहीं। हम क्लास के कहां पे हैं? मिडिल में।
यानी किसी काम के मिडिल में हो, आप ये बोल रहे हैं किसी काम के मिडिल में हो या ये बोल रहे हैं प्रेजेंट रनिंग एक्शन, बात तो एक ही है, कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, बात बराबर है। चले इस कहावत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देयर आर मैनी वेज टू रीच सिंगल प्लेस, देयर आर मैनी वेज टू रीच सिंगल प्लेस, ये इंग्लिश में कहावत है, कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो बात बराबर है। इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर मैनी वेज टू रीच अ सिंगल प्लेस, रीच सिंगल, इंग्लिश में कहावतें अलग होती हैं उर्दू में अलग होती हैं। आप उर्दू में कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, भाई बंदर को क्या पता अदरक का क्या जायका है। इंग्लिश में कहते हैं अ ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर, अ ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर, के अंधे शख्स को कलर की क्या पहचान। तो इंग्लिश में कहावतें अलग है और उर्दू में अलग है, मगर है इंग्लिश में भी। इट लुक्स अमेजिंग व्हेन यू स्पीक एनी प्रोवर्ब एनी सेइंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, कहावत जो है ना बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। आप किसी भी जबान की कोई कहावत बोलते हैं ना, यू रियली डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंप्रेस योर लिसनर। सो देयर आर मेनी वेज टू रीच अ सिंगल प्लेस, मिडिल ऑफ एन एक्शन कह लें, मिडिल ऑफ एन एक्शन कह लें या प्रेजेंट रनिंग एक्शन कह लें। सो द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, we use it to talk about present running action, ऐसा कोई काम जो present में running में है। यही तो नाम भी कह रहा है, present मतलब current, progressive मतलब running, running। ये पहला इस्तेमाल है इसका, present running action। दूसरा इस्तेमाल changing and development, present progressive changing और development की भी बात करता है, मतलब कभी कभी running action के अलावा दूसरी भी बात करता है, changing and development की भी बात करता है कभी कभार, ओके और कभी कभार प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किसकी बात करता है, फ्यूचर की भी बात करता है, मतलब ये लेक्चर फ्यूचर में भी जाता है। आप बोलेंगे सर प्रेजेंट लेक्चर फ्यूचर में, मैं कहता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है प्रेजेंट लेक्चर फ्यूचर में। तो सबसे पहले अभी आपने ये तीन डेफिनेशन जहन में रखनी है, पहली वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर प्रेजेंट रनिंग एक्शन, द सेकेंड डेफिनेशन वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर चेंजिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड डेफिनेशन वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर फ्यूचर सेंटेंसेस समटाइम। अब आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, कल जो परसों जो हमने लेक्चर पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, उसका फॉर्मूला तीन अल्फाज का था, क्या फॉर्मूला था अगर याद हो आपको, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, व्हिच फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पानी होना चाहिए पानी की तरह याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तारिक दो हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट सिंपल के, पहला और दूसरा डू और डस, सही है नेगेटिव में आते थे, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब थे डू और डस। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, और डू नॉट को मिला के क्या बोलते थे, डोंट, डज नॉट को मिला के डजंट, इवन लिखने में भी इवन बोलने में भी। मैं तो कहता हूं हमेशा कोशिश करें कि कॉन्ट्रेक्शन ही इस्तेमाल करें, आई डोंट प्ले क्रिकेट, शी डजंट कम सेंटर, ओके ही डजंट कुक फूड, वी डोंट प्ले क्रिकेट, इस तरह। कॉन्ट्रेक्शन कब नहीं इस्तेमाल होते, जब बात पे जोर दिया जाता है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जब बात पे जोर देते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन कभी यूज नहीं होता। एनीवे वो तो था प्रेजेंट सिंपल, जो तीन अल्फाजों पे तीन वर्ड्स को मिला के जो है प्रेजेंट सिंपल बनता था। आज का लेक्चर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आज चार अल्फाज हो गए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम लोग अच्छे होते हैं फॉर्मूले में, वैसे प्रेजेंट सिंपल में फिर अटकते हैं, शी डजंट नो कुकिंग, doesn't do हमें कंफ्यूज करता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती इतनी लोगों को। तो मैंने देखा है कि प्रेजेंट सिंपल इवन ईजी है फिर भी लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इवन मुश्किल है, यानी चार अल्फाजों को मिला के बन रहा है फिर भी लोग इसमें अच्छे होते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, यू he she it they first second third, very simple and easy, very nice, very nice। pura naam hai subjective pronoun, pronoun ki ek type hai subjective pronoun, phir iske helping verb hai teen, kaun kaun se, is am are,
सर फरहान ने नहीं बनाए, ब्रिटिश ने बनाए. इज एम आर, तीन हेल्पिंग वर्ब हैं इसके. फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म. पहले इसे कहा जाता था वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश, नाउ इट हैज बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म और वर्ब फोर्थ फॉर्म. सो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन व्हाट इज सब्जेक्ट? आई, वी, यू, he, she, it, they. There we go. These are the helping, these are the subjective pronoun. अब इनके आगे helping verb कौन कौन से लगते हैं? It is a very, you know, easy. It's like a piece of cake. Yes. It's a piece of cake. Piece of cake का मतलब क्या होता है? बाएं हाथ का खेल. Piece of cake. हाथ पैर का मेल. बाएं हाथ का खेल. यूं भी कहते हैं piece of cake. This lecture is a piece of cake. और यू भी कहते हैं it's not a big deal. Not a? It's not a big deal. Americans इस तरह कहते हैं अक्सर. It's not a big deal. This lecture is not a big deal to understand. This lecture is a piece of cake. Okay. तो I के साथ क्या लगता है बता दे जरा. M. और V के साथ क्या लगता है? ये हो गया first person. फिर आता है U. U के साथ क्या लगता है? आर लगता है. ही के साथ क्या लगता है? इज. शी के साथ? इट के साथ? दे आर. ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है. आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर. मगर मैं चाहता हूं आप ऐसे इस्तेमाल ना करें, आप थोड़ा मॉडर्न वे इस्तेमाल करें. ऐसे तो हर कोई बोलता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. नहीं, हमेशा आई एम को मिला के क्या बोलते हैं? आम. इस तरह बोलने में भी लिखने में भी. वी आर को मिला के क्या बोलते हैं? वीयर. यू आर को मिला के क्या बोलते हैं? यू एफ एस ट्रॉफी आर ई, योर. ही इस को मिला के क्या बोलते हैं? हीज. हम बोल रहे हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ब्रिटिश कह रहे हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट. ही इज, हीज, ही इज, हीज. इसी तरीके से शी इज, शीज. हाँ, हम लोग कह रहे हैं शी इज कुकिंग फूड, वो कह रहे हैं शी इज कुकिंग फूड. जब ही तो बोलने में इतना फर्क आ रहा है. ओके, शी इज, शीज. इसी तरीके से इट इज, इट्स, दे आर, देयर. मैं चाहता हूं इस तरीके से बोले. ओके, ये वी आर को मिला के, ही इज को मिला के, आई एम को मिला के. चले वापस आ रहे हैं लेक्चर की तरफ. तो लेक्चर का नाम था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. यूज करते हैं प्रेजेंट रनिंग एक्शन, चेंजिंग एंड डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर. ओके, फॉर फ्यूचर. फॉर फ्यूचर, या यू कैन राइट, नो मोर, नो प्रॉब्लम, लाइट है. ओके, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वी आर टेकिंग क्लास. मैं आपसे पूछता हूं, मैं कहता हूं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव समझ आया? आप कहते हैं सर समझ आया. मैं कहता हूं चले फिर बता दें कोई प्रेजेंट रनिंग एक्शन. आपको पता है आपका प्रेजेंट रनिंग एक्शन जो अभी काम हो रहा है वो क्या है? आप फौरन बोल देते हैं, कहते हैं वी आर टेकिंग क्लास. हम क्लास ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं. और वही वाली डेफिनेशन, मिडिल ऑफ एन एक्शन. क्लास शुरू भी नहीं, एंड भी नहीं, उसके कहां पे हैं आप लोग? मिडिल में है, रनिंग में है, मिडिल में है. तो वी आर टेकिंग क्लास. और ब्रिटिश इसको क्या जबरदस्त कैसे बोलते हैं, वी आर को मिला के वेयर कर देते हैं. वेयर इनकी आदत है. और टेकिंग का आई जी जी साइलेंट कर देते हैं. कैसे बोलते हैं? वी आर टेकिंग क्लास. इनकी आदत है जी भी साइलेंट रखते हैं, जी को भी नहीं बोलते. देखें मैं अभी जी बोलता हूं पहले. ओके, जी बोलूंगा, हर आई जी फॉर्म में जी होगा. माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस, दे आर डूइंग सम वर्क, वी आर इंजॉइंग द पार्टी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड, ही इज डूइंग सम वर्क. सब में जी आ रहा था. अब देखें जी साइलेंट होगा, ब्रिटिश कैसे साइलेंट करते हैं. माय फ्रेंड इज कमिंग टू माय हाउस, वी आर डूइंग सम फन एंड वी आर एंजॉयिंग द पार्टी, ही इज कॉलिंग मी, आई एम नॉट रिसीविंग हिज कॉल. सब में जी साइलेंट था. सो क्या करते हैं, पहले तो वी आर को मिला दिया, फिर टेकिंग को आई जी साइलेंट कर दिया. तो कितना अलग लगता है. हम कहते हैं वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं. वो कहते हैं वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? मैं कहता हूं व्हाट टू डू, क्या करें. What to do? क्या करें? उनकी लैंग्वेज है, इट इज देयर लैंग्वेज. दे आर ऑथराइज, वो लोग बाय इख्तियार हैं. ऑथराइज वट? दे आर ऑथराइज टू डू एनी थिंग इन देयर लैंग्वेज. हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं. हम भी या हम भी? हाँ देखे ना, इधर है हम खा गए, हम भी. हम करें तो
रामलीला वो करें तो हाँ वो करें तो हम करें तो रामलीला वो करें तो नहीं अब बात नहीं होगी जब तक ये कंप्लीट नहीं करोगे। हम करें तो रामलीला वो करें तो ना यार आपको शेर ही नहीं आता यार। हम नहीं नहीं हाँ ये हुई ना बात, कल भी लड़के ने जवाब दिया था आज भी लड़के ने। हम करें तो रामलीला वो करें तो कैरेक्टर ढीला, ये शेर है असल, ये शेर है। ओके सो तो ये वी आर टेकिंग, अच्छा वापिस आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। ओके वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं। ही इज यूजिंग मोबाइल, ही इज यूजिंग मोबाइल। मैं कहता हूं जैन का जरा कोई रनिंग एक्शन बता दो जो अभी हो रहा हो। आप कहते हैं सर देखें देखें जैन का रनिंग एक्शन, ही इज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। अच्छा फिर इसको कैसे बोलेंगे एडवांस वे में, ही इज यूजिंग मोबाइल। अगर बोलना नहीं चाहते तो ओके, मगर समझने के लिए जरूरी है ना कोई आपके सामने बोलता चला ही इज यूज इन मोबाइल, बोलेंगे क्या बोला क्या बोला इसने, ही इज यूज इन मोबाइल। तो ही इसको मिला के ही इज यूज इन मोबाइल, ओके वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। आई एम राइटिंग लेक्चर, तो फिर उसी तरीके से आई एम राइटिंग लेक्चर, राइटिंग 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 दिस इज राइटिंग। राइटिंग में कितने टी आते हैं हमेशा, एक टी। लोग कंफ्यूज रहते हैं राइटिंग में डबल टी लगा देते हैं, नो ओनली वन टी इन राइटिंग। और रिटन जो इसकी थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटन, रिटन में कितने आते हैं, रिटन में दो आते हैं। कितने आते हैं सर, दो आते हैं रिटन में, दो आते हैं असली इंग्लिश में, जाली इंग्लिश में लोग पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। एनीवे तो राइटिंग में एक और रिटन में दो। एनीवे आई एम राइटिंग लेक्चर, ये सारे क्या थे, ये सारे प्रेजेंट रनिंग एक्शन जो प्रेजेंट में रनिंग में थे। आप कहते हैं सर आपने दूसरी डेफिनेशन वाला बताया नहीं, चेंजिंग और डेवलपमेंट। तो मैं बताता हूँ चेंजिंग और डेवलपमेंट क्या होते हैं, यानी कोई चीज कोई शख्स कोई चीज चेंज हो रही हो तो वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होता है, वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होता है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं बात करता हूँ आफ्ताब की बात कर लेता हूँ, आफ्ताब यही स्पेलिंग है ना, आफ्ताब इज गेटिंग टॉल, आफ्ताब बड़े हो रहे आफ्ताब लंबा हो रहा है। तो ये क्या है, चेंजिंग एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ओके ओके चेंजिंग एंड डेवलपमेंट, ओके चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। मैं कहता हूं सितैन इज गेटिंग क्या, गेटिंग मैरिड, करेगा कौन इनसे भाई, क्या बात करेगा कौन, कोई अंधी लड़की होगी जो करेगी। एनीवे ये बोलो शादी नहीं, बोलो ही इज नॉट गेटिंग मैरिड, ये नहीं बोलो कि शादी हो रही है, बोले किसी की जिंदगी तबाह हो रही है। एनीवे सिप्तेन यस ओके यस माय डियर सिप्तेन इज गेटिंग फेमस। तो ये कोई रनिंग एक्शन थोड़ी है बल्कि क्या है, चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट रनिंग एक्शन, द सेकंड यूज इज चेंजिंग एंड डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज फॉर फ्यूचर। आपको हैरानी होगी इंग्लिश सेंस पे ही तो बोली जाती है, इंग्लिश सेंस पे ही तो बोली जाती है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लेक्चर है, कभी कभार सेंस किसका देता है, फ्यूचर का, क्योंकि इंग्लिश सेंस पे ही बोली जाती है। मैं आम आदमी हूं, आई एम अ कॉमन मैन, आई एम अ कॉमन मैन, आई एम अ कॉमन, मैं आम आदमी हूं, ये थोड़ी होगा आई एम अ मैंगो मैन, नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि सेंस पे बोली जाती है। इसी तरीके से फॉर फ्यूचर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कभी कभार फ्यूचर की भी बात करता है, कहता है सर संडे को आपसे मिलने आऊं, मुझे कहते हैं लेट्स सपोज कि हमदान मुझे कहते हैं सर मैं संडे को आपसे मिलने आऊं, मैं कहता हूं संडे को मिलने आओगे, मैं कहता हूं नॉट पॉसिबल, आई एम गोइंग दुबई ऑन संडे। देखें आई एम गोइंग दुबई, मैं दुबई जा रहा हूं ऑन संडे, मैं कहता हूँ संडे को मिलने आओगे, यू विल कम टू मीट मी ऑन संडे, सॉरी आई कांट मीट यू ऑन संडे बिकॉज आई एम गोइंग दुबई ऑन संडे, संडे को मैं दुबई जा रहा हूँ। देखें बात काम कब होगा, संडे को, मगर बात किस में हो रही है, प्रेजेंट में, बात किस में हो रही है, प्रेजेंट में। शराज को कोई कहता है कि मैं आपको 3 बजे कॉल कर लूँ, शराज रिप्लाई करते हैं नो नॉट 3 o'clock, आई एम टेकिंग लंच एट 3 o'clock, 3 बजे मैं लंच कर रहा हूं,
लंच कब कर रहे होंगे? 3 बजे, यानी फ्यूचर में. बात किस में हो रही है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश. ये कहते हैं आई एम टेकिंग लंच एट 3 o'clock. तो सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट. दोपहर के खाने को लंच. रात के खाने को डिनर. 11 बजे वाले जो नाश्ता होता है, चाय बिस्किट वगैरह, ब्रंच. ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के क्या बनाया गया? नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के क्या बनाया गया? ब्रंच. ब्रंच हाँ. फिर शाम की चाय वगैरह, ये क्या होता है? सपर. ये बात समझ में आई. दोपहर की नींद को क्या बोलते हैं? नैप. नैप नैप पावर नैप. पावर नैप. थ्री इडियट में लेता है ना, वो कहता है कि डॉक्टर क्या नाम होता है, प्रिंसिपल होता है या वो वायरस, कहते हैं 7 मिनट का, 7.5 मिनट का पावर नैप लेते हैं और उसमें शेव करते हैं और यूं. फिर वो कहता है कि अगर इसको जॉब मिले तो मेरी मूछें काट देना, आई गेस. एनीवे यस, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग, बात समझ आई होगी. बस थोड़ी सी बात रह गई हमारी, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे. सो टुडे इज लेक्चर, आज का लेक्चर था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जो कि बात करता है प्रेजेंट रनिंग एक्शन, चेंजिंग एंड डेवलपमेंट और सम टाइम फॉर फ्यूचर. व्हाट इज द फॉर्मूला? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आई जी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. वी आर टेकिंग क्लास, ही इज यूजिंग मोबाइल, आई एम राइटिंग लेक्चर. मैंने आपको बताया भी कि सब्जेक्ट और इज एम आर को मिला के कितना कॉम्प्रीहेंसिव, कैप्टिवेटिंग, रेविशिंग, अट्रैक्टिव बन जाती है इंग्लिश. आई एम आम, वी आर वेयर, ही इज ही. फिर आई एन जी फॉर्म का जी साइलेंट करते हैं. अगर नहीं करना चाहे तो नो प्रॉब्लम, ना करना चाहे, मगर लिसनिंग के लिए जरूरी है. फिर चेंजिंग और डेवलपमेंट की बात होती है. फिर इसमें जो है फ्यूचर की भी सम टाइम बात होती है. तो ये लेक्चर, ये सेंटेंसेस मैं यहाँ से आई वुड लाइक टू रिमूव, डिलीट, रब. ओके, वी आर टेकिंग क्लास. इसका नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान. इसमें डू, डज और ये इस तरह का चक्कर नहीं है. जैसे लिखा वी आर टेकिंग क्लास, We are not taking class. फिर मैं चाहूंगा कि फिर आप मॉडर्न बोलें, वी आर नॉट. आर नॉट को मिला के क्या बोलते हैं? आंट. वी आंट टेकिंग क्लास. वी आंट टेकिंग क्लास. शी इज कुकिंग, कुकिंग फूड. नेगेटिव, शी इज नॉट कुक. शी इज नॉट कुकिंग फूड. इज नॉट को मिला के क्या बोलते हैं बड़े साहब? Isn't. Isn't. Is not को मिला के isn't. She isn't cooking food. इसी तरीके से. Okay, am not, am not ही रहता है. एक उसका informal contraction है. And. Is am are का, तीनों का मिला के भी and contraction है, मगर थोड़ा informal समझा जाता है. तो we are taking class. We are not taking class. Are we taking class? Okay, तो कुछ sentences हो जाए. Zen, मैं glasses खरीद रहा हूं. हाँ, ग्लासेस. आई एम बाइंग ग्लासेस. नेगेटिव. इंटरोगेटिव. एम आई बाइंग ग्लासेस. एम आई बाइंग ग्लासेस. मैं फेसबुक यूज कर रहा हूं. मैं फेसबुक यूज नहीं कर रहा हूं. क्या मैं फेसबुक यूज कर रहा हूं? एम आई यूजिंग फेसबुक. वो मेकअप अप्लाई कर रही है. Negative. She is not applying makeup. Interrogative. Is she not? Why she, not? Is she applying makeup? Is she applying makeup? Okay. Is she applying makeup? हम मार्केट जा रहे हैं. हम के लिए क्या होगा? हम मार्केट जा रहे हैं. We are going to market. हम मार्केट नहीं जा रहे हैं. We are not going to market. क्या हम मार्केट जा रहे हैं? We are going to market. क्या? Loudly. Are we going to market? Okay. Are we going to market? Okay. तुम इंग्लिश बोल रहे हो. हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया बीच में से? यू आर स्पीकिंग. नेगेटिव. इंटरोगेटिव. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? 10.
Ali is driving car. Negative क्या होगा? Interrogative. Is Ali driving car? It happens sometime के interrogative बनाने में double helping verb लगा देते हैं. Is Ali is driving car? Okay. चले एक story की तरफ आते हैं. Story पूछते हैं आपसे. यही story की practice होनी चाहिए. Okay. Let's suppose कि आप university में, okay? वहाँ क्या हो रहा है university में? आप कहते हैं teachers class में जा रहे हैं. Teachers are going to class. मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ. I am waiting for friends. मैं अली को कॉल कर रहा हूँ. अली मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है. No. रिसीव? अली इजंट रिसीविंग माय कॉल. मगर वो यूनिवर्सिटी आ रहा है. But he is coming to university. Okay. मैं गेट कीपर को देख रहा हूँ. I am seeing गेटकीपर. गेटकीपर सारे स्टूडेंट्स को चेक कर रहा है. हेल्पिंग वर्ब छूट रहा है बीच में. गेटकीपर इज चेकिंग ऑल स्टूडेंट्स. हम कैंटीन जा रहे हैं. ओके. हम कैंटीन में बैठे हुए हैं. ओके. मैं चाय ऑर्डर कर रहा हूँ. ना कर रहा हूँ. मैं आई एम ऑर्डरिंग द टी. जैन चाय ऑर्डर नहीं कर रहा है. जैन इज नॉट ऑर्डरिंग द टी. ओके. तारिक असाइनमेंट कर रहा है. तारिक इज डूइंग असाइनमेंट. तारिक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है. तारिक इज कंप्लीटिंग असाइनमेंट. ओके. अब हम क्लास में जा रहे हैं. हाँ, अब हम क्लास में जा रहे हैं. हाँ, अब के लिए. अब के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू क्लास. मैं बैग खोल रहा हूँ. मैं कॉपी निकाल रहा हूँ. टेक आउट का टेकिंग आउट हो जाएगा. ओके. मैं लेक्चर लिख रहा हूँ. टीचर या प्रोफेसर लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है. टीचर लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है. Teacher is explaining the lecture. Yes, please. Let me have a small revision. Today we people discuss about very important lecture. The lecture name was present progressive. We use present progressive for three main purposes. The first one is present running action. Pehla purpose hai present running action. Koi bhi kaam running mein ho, jari ho, chal raha ho. Uske liye present progressive. Dusra, changing and development. Aisa koi kaam, aisa koi cheez jo change ho rahi ho, development ho rahi ho usme. ओके. तो उसके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. तीसरा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कभी फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है. टाइम लगा के जैसे आई एम चेकिंग डिनर एट 10 o'clock. आई एम चेकिंग डिनर एट 10 o'clock. वी आर राइटिंग लेक्चर. वी आर स्पीकिंग इंग्लिश. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. बड़ा ही सिंपल लेक्चर. बट एज आई से इन स्टार्टिंग वी यूज मेनी टाइम इन आवर इंग्लिश. सो मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस. सिचुएशन सोचें. सबको हम सिचुएशन देते हैं. एक अभी मैं सिचुएशन देता हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है. कम से कम 8 से 10 सेंटेंस बनाए. जैसे अभी आपने यूनिवर्सिटी के बनाए कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था. ओके. सो